देश भर में कोरोना फैलाने वाले तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद के हिस्ट्री शेटर होने की बात सामने आ रही है। साल 2008 में दिल्ली के निजामुद्दीन थाने में मौलाना साद के खिलाफ जमीन हड़पने के मामले को तब की कांग्रेस सरकार ने अगर नहीं दबाया होता तो आज देश भर में कोरोना इस गति से नहीं फैलता। साल 2008 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने मौलाना साद और उसके सहयोगियों पर ऐतिहासिक महत्व के लाल महल स्मारक की जमीन हड़पने की कोशिश का मामला दर्ज किया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि दिल्ली पुलिस की प्राथमिक जांच में मामले के सही पाए जाने के बावजूद मौलाना साद और उसके सहयोगी मौलाना जुबेर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इतना ही नहीं, कुछ समय के बाद FIR को बंद कर दिया गया। मामले में न तो गिरफ्तारी हुई और न ही चार्जशीट फाइल की गई। गौरतलब है कि मरकज के जरिए कोरोना फैलाने के मामले में साद पर गैर इरादतन हत्या के साथ ही कई मुकदमे दायर किए गए हैं। मौलाना पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया है। मौलाना साद अब भी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि मौलाना साद पर सरकारी जमीन हड़पने का केस अक्टूबर 2008 में दर्ज किया गया था। 1 नवंबर 2008 को दर्ज FIR में मौलाना साद आरोपी बताया गया है। इस केस में लाल महल के ऐतिहासिक गुम्बदों के पास गहरी खुदाई की गई। बाद में दिल्ली पुलिस ने सरकारी विभाग की शिकायत को गलत बताया। इसके साथ ही तबलीगी मरकज के खिलाफ 2016 में भी मामला दर्ज हो चुका है। 20 जून 2016 को मरकज के अंदर मारपीट का आरोप था। साथ के सहयोगियों ने कुछ लोगों को बांध कर पीटा था। निजामुद्दीन थाने में ये FIR दर्ज की गई थी। मौलाना साद ने पीड़ितों के खिलाफ ही करा दी थी क्रॉस FIR। इसके बाद कोर्ट में दोनों पक्षों में समझौता हुआ था। आपको बता दें कि इसी साल मार्च में निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विदेशियों समेत हजारों लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल जमात के कई लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। जिन राज्यों में जमात के लोग वापस गए वहां भी संक्रमण फैला। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ाने के लिए तबलीगी जमात एक बड़ा करियर साबित हुई। जहालत के वायरस से कोरोना को फैलाने वाले मौलाना साद को अब हिस्ट्री शीटर बताया जा रहा है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।